हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए यूट्यूब चैनल में और एक नए धमाकेदार वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेकर आया हूँ और गर्मी है तो ये सबसे बेस्ट है गर्मियों के लिए, किंगफिशर बियर। और साथ में ये देखो क्या है दोस्तों, देख के बताओ, बहुत लाजवाब चीज़ है ये देखो। हाँ, मस्त खुशबू आ रही है दोस्तों। आप लोग वीडियो देख रहे हो हमारा और चैनल भी सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे सपोर्ट करते रहिए, मैं नए से नए वीडियो, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो नए से नए वीडियो लेके आता रहूँगा आपके लिए। और हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिए, अपने जो भी विस्की लवर हैं उन दोस्तों को टैग कीजिए वीडियो मेरा, उनको शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, मिलते हैं फिर। एक गिलास आ गया अपना बियर, बियर गिलास, ठीक है। कोई कट नहीं लगाऊंगा आज वीडियो में, ऐसे चलते हैं। हाँ, तुम होते जो दुश्मन तो कुछ बात और। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। आ जाओ दोस्तों पी लो मेरे साथ बियर। अच्छा, इसका बताना तो भूल ही गया है क्या चीज़ है। बहुत ही क्रंची है दोस्तों, इसको बना के घर पे खाएं किसी भी विस्की वियर इसके साथ में, वैसे भी खा सकते हैं, मस्त लगता है। ये दोस्तों ब्रेड का बना हुआ है, यस ब्रेड का है और इतना टेस्टी लाजवाब है, ब्रेड का है। इसके अंदर आलू भरा हुआ है, पूरा जो ब्रेड पकौड़े में आलू भरा जाता है वो भरा हुआ है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखो मैं तोड़ कर दिखाता हूँ आपको, ये देखो हाँ क्या लाजवाब लग रहा है। देखो दोस्तों देखो, बहुत ही लाजवाब है खाने में, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये चटनी आ गई है, अच्छा थोड़ी सी बियर लेते हैं। हरी चटनी, आ जाओ दोस्तों कर लो एंजॉय। एक दोस्त ने कमेंट किया, सब्सक्राइबर ही मेरा, भाई तुम्हारे घर में कोई कुछ नहीं कहता पीने के लिए। दोस्तों मैं आपको सच बताऊं, हमेशा इसको ना अपने सर के ऊपर हावी मत होने दो, खाओ पियो मस्त रहो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन घर वालों को परेशानी ना हो ऐसी ड्रिंक करो, किसी को कोई दिक्कत ना आए वो काम करो।
मैं बाहर जाता हूँ कभी ड्रिंक नहीं करता, खासकर गाड़ी चलाते समय। घर बैठ के चाहे एक बियर पीऊँ, चाहे दो बियर पीऊँ या एक बोतल पीऊँ, घर बैठ के खाओ पियो और सो जाओ, किसी को कोई तक प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब जो देख रहे हो ना, मेरी वाइफ देखेगी बना के, टेबल वेबल उसी ने सजाया। इस मामले में तो बड़ा लकी हूँ मैं। बहुत गर्म है, गिलास में जब बियर डालते हैं ना, अगर ऐसा डालोगे तो पूरा झाग से भर जाएगा गिलास। ये तरीका होता है सही, यहाँ किनारे से लगाओ धीरे धीरे, अरे फिल करो, ये देखो वही करो ना, देखो झाग ज़्यादा नहीं बनेंगे, बनेंगे पर कम बनेंगे, और गिलास आपका पूरा ऊपर तक भर जाएगा। ये देखो 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 देखो, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, भर गया गलास। ये देखो थोड़ी सी बची है, बियर गिलास में बियर पीने का मज़ा ही अलग है, दो गिलास में बियर ख़त्म हो जाती है। अब देखो है थोड़ी इसमें बची है, देखो हिल रही है, बहुत क्रंची है दोस्तों बना के खाना। मेरी वाइफ का एक यूट्यूब चैनल है, यशोदा कश्यप फूडीज़, सॉरी यशोदा कश्यप किचन फूडीज़ ब्लॉग, उस पर ऐसी नई नई रेसिपी वो डालती रहती है, तो आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें उसको, नए नए रेसिपी सीखने को मिलेंगी आपको, देखने को मिलेंगी। खाना बनाने में तो भाई साहब एक नंबर है। उसका चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों उसको। Yes.
बड़ी कमाल की चीज़ है दोस्तों। वैसे ज़्यादा देर के लिए नहीं तो कम से कम कुछ देर के लिए तो सुकून ज़रूर देती है दोस्तों। कुछ लोग बैड कमेंट भी करते हैं। प्लीज़ दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे अपने गांव के दोस्त भी बोलते थे कि तू नशेड़ी बन जाएगा, तू शराबी बन जाएगा, तू कोई बन जाएगा, या तू बिगड़ जाएगा दिल्ली में रहेगा तो। दोस्तों मुझे 20 साल होगा करीब, आज तक मैं नशेड़ी नहीं बना। जो कुछ भी करता हूँ ना वीडियोस में, ये सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए करता हूँ मैं। मुझे अगर एक साल भी नहीं मिलेगी ना ये सब चीज़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सब कुछ रखता हूँ अपने पास, लेकिन मैंने इन चीज़ों की लत कभी नहीं डाली। जो वीडियोस भी बनाता हूँ ये सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए बनाता हूँ बस। अरे तुम इसके ऊपर हावी हो जाओ, इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। जिस दिन ये तुम्हारे ऊपर हावी हो गई ना, घर बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। एंजॉय करो, खाओ पियो, सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में। बीड़ी सिगरेट गुटखा चैनी खैनी ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं हाथ लगाते हैं, इन चीज़ों का शौक है खाली बस। कोई भी आपको गलत रास्ते पर नहीं डाल सकता जब तक आप ना चाहो। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे शराबी बनना है, आप शराबी बन जाओगे। जब तक आप नहीं चाहते कि मैं शराबी बनूं, तब तक आप शराबी नहीं बनोगे। दुनिया की कोई ताकत आपको शराबी नहीं बना सकती। खाओ पियो यार, मस्त रहो, एंजॉय करो, और सबसे पहले घर वालों को खुश रखो, अपने बीवी बच्चों को खुश रखो। देखना कोई भी आपके काम के बीच में रोड़ा नहीं बनेगा। आप उनकी खुशियों का ध्यान रखो, आप अपनी लाइफ आराम से जी पाओगे। ये सब चीज़ें वही लाती है बना गई। ये देखो दोस्तों, ये कभी नहीं कहती दंगा फसाद करो, कभी नहीं। लोगों को गालियां दो, तुम बहक जाओ, नशा ज़रूर हो जाता है, लेकिन कभी किसी को उल्टा सीधा कहने के लिए मजबूर नहीं करती। लोग अपने दिखावा खुद करते हैं, नालियों में गिरते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं। अरे यार, किसी को हट करोगे, किसी को तंग करोगे, तो आप जाहिर सी बात है उसका परिणाम उल्टा ही निकलेगा। खाओ पियो, मस्त रहो, घर में खाओ पियो, चुपचाप सो जाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लो दोस्तों, मेरी बियर ख़त्म हो चुकी है, गिलास में बची है सिर्फ, बोतल खाली हो चुकी है। देखो आज मेरा आपसे बातें करने का मन हुआ तो इसलिए बातें कर रहा हूँ दोस्तों। कौन कहता है कि ये बुरी चीज़ है दोस्तों? कौन कहता है कि ये बुरी चीज़ है दोस्तों? बुरी ये नहीं, बुरी आपकी आदतें हैं दोस्तों। कोई चीज़ बुरी नहीं होती, आप उसको बुरा बना देते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप इसके ऊपर हावी हो जाओ, इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो।
हर चीज़ में एक नशा है दोस्तों, हर चीज़ में नशा है। और सबसे बड़ा नशा पता है किस चीज़ का दोस्तों? रोटी का। रोटी का नशा है सबसे बड़ा। अगर आपको 24 घंटे खाना ना दिया जाए ना दोस्तों, 24 घंटे के बाद, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा, 2-3 दिन 4 दिन की बात नहीं है, सिर्फ 24 घंटे, 24 घंटे आपको अगर खाना ना दिया जाए, 24 घंटे के बाद अगर आपको सूखी रोटी भी खिलाएंगे ना, मैं गारंटी कर रहा हूँ आप पेट भर के खाओगे और इतनी गहरी नींद सो जाओगे कि इसको पीने के बाद जो नींद आती है ना, उससे भी ज़्यादा भयानक नींद आएगी आपको रोटी खाने के बाद। सबसे बड़ा नशा रोटी का दोस्तों। और वैसे तो कहते हैं ना, नशा अच्छे कामों का होना चाहिए दोस्तों, बुरे कामों का नहीं। अच्छे कामों का नशा होना तो ज़िंदगी आपकी जन्नत हो जाएगी। जिस दिन बुरे कामों का नशा आपको लग गया, ज़िंदगी नरक हो जाएगी। मेरा वीडियो दोस्तों पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हो आप लोग, एटलीस्ट इतना तो कर दो कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। 500 सब्सक्राइबर नहीं हुए दोस्तों अभी, 4 महीने होने वाले हैं चैनल को। इस वीडियो को फैला दो, पाँच सौ सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाए दोस्तों। मुझे इस चीज़ का वो नहीं है कि मेरे को इस चैनल से पैसे आएंगे, ये वो नहीं है, बस जस्ट एन्जॉयमेंट। बस पैसे आए ना आए वो अलग बात है। ये चीज़ भी दोस्तों आपके ऊपर है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा वीडियो नेपाल वाले भाई भी लोग भी देखते हैं, बांग्लादेश वाले भाई लोग भी देखते हैं, जहाँ मैं खुद नहीं जा सकता, मैं गया नहीं कभी, वो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं। यार बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान वाले भाई लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, यार बड़ा मज़ा आता है यार जब मुझे उसमें दिखता है ना कि ये लोग भी वीडियो देख रहे हैं, इतने परसेंट, 2%, 3%, 5%, अच्छा लगता है यार, खुशी होती है। एक पल की जिंदगानी फिर दूर क्यों है जाना, तो दूर की क्यों सोचे एक पल का नहीं ठिकाना। सत्य दोस्तों, सुबह घर से निकल के शाम को अगर आप घर पे वापस आ जाओ, समझ लो नई जिंदगी है। हम सोचते 100 साल की है, लेकिन एक पल का नहीं पता कि कब क्या हो जाए। खुशियां दो यार, खुश रहो दोस्तों, में खुशियां बांटो, किसी को तकलीफ मत दो, एंजॉय करो लाइफ को। सबसे बड़ी दौलत यही है यार, कुछ भी नहीं जाना साथ में। प्लीज दोस्तों यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।
अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो, प्यारा प्यारा कमेंट करते हो। वैसे सच बताऊं तो बैड कमेंट करने वालों की संख्या मेरे चैनल पे 1% भी नहीं है। मैं ऐसा कुछ कंटेंट बनाता ही नहीं हूँ किसी को बुरा लगे, किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना। क्यों बोलना यार, किसी को हर्ट क्यों करना। तो सब्सक्राइब ठोक दो दोस्तों, बहुत जल्द एक नया वीडियो लेके आऊँगा जो दिल खुश कर देगा आपका, ऐसा वीडियो लेके आऊँगा। और मेरी वाइफ का चैनल यशोदा कश्यप किचन फूडीज ब्लॉग, उसको सपोर्ट जरूर करें। जो मैं खा रहा हूँ ना, इस टाइप की ऐसी हज़ारों रेसिपी आपको धीरे धीरे टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे उस चैनल पे। उधर बनते हुए दिखाएंगे आपको, उधर खाते हुए दिखाएंगे आपको। क्योंकि अगर किसी का दिल जीत रहा है ना दोस्तों, तो खाना बनाना आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं कि दिल का रास्ता, पेट का रास्ता दिल से गुजरता है। आप किसी को अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छा स्नैक्स खिलाएंगे, अच्छा स्वागत करेंगे उसका, आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा वो। इसलिए आपको खाना बनाना आना बहुत ज़रूरी है। और खाना बनाना सीखना है, कुछ अच्छा सीखना है, तो मेरी वाइफ यशोदा कश्यप किचन फूडीज ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नए नए वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, बड़े मज़ेदार वीडियो बनाती हो। दोस्तों ये ख़त्म हो चुकी है आज के लिए, दोस्तों इतना ही, मैं ख़त्म फिनिश करता हूँ इसको। खाली हो गया आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, DSP की चैलेंज को, और मैडम का जो चैनल मैंने बताया उसको, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मिलता हूँ किसी बहुत जल्द किसी और नए धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय। स्वस्थ रहें, खुश रहें, और लाइफ को एंजॉय करें बिना किसी को तकलीफ दिए हुए। ठीक है दोस्तों, ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद।